चौके सारे लोग, उनका अंग्रेज अगर आया होते तो यहाँ की हालत हमारी जैसी होती, भारत जैसे तो कम से कम होती। अगर अंग्रेज न होते तो रिजर्वेशन में होता है, ये तो वो लोग हैं जो दिल्ली गए, उन्हें फर्क न होता तो न होता। आज की स्थिति में जो मिला है हम उसको बचा नहीं पा रहे, आप समझ सकते हैं कि ये देने वाले। तो हमने कहा कि वे ब्लेस्ड, आप देख लीजिए कि रेलवे ट्रैक 12 लगभग 42,000 किलोमीटर तक उन्होंने लेट आउट किया। ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है या जुडिशियल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, PWD डिपार्टमेंट है, पुलिसिंग सिस्टम है, आर्मी सिस्टम, ऑल हैव बीन गिवन बाय ब्रिटिश एंड यू वर डिप्राइव्ड कि आपको ये नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला है, आपको बड़ा टाइम लग गया। तो आपको आप बड़े दुर्भाग्यशाली थे। तो ये है, मैं आज यहाँ पर अवसर है कि सोशल जस्टिस के लिए उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है और मैं सहमत हूँ। अभी एक बघेल जी उन्होंने बोला, राहुल जी से मेरी भी एक दो बार बातचीत हुई, उन लोगों के समझ में अभी आया है, लेकिन लीडरशिप के लोगों के हाथ में, इसीलिए जब बैकवर्ड और दलित आकर्षित होता है तो वह ताकत नहीं बन पा रहा, और लीडरशिप में तो परिवर्तन करना पड़ेगा ऊंचे स्तर, तब जाकर के एक विकल्प कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। और जो बघेल जी ने किया है ये न्यायोचित कार्य किया है और संविधान के तहत किया है, और 69% रिजर्वेशन तो तमिलनाडु में पहले से ही है, और यह पहली कांग्रेस की सरकार है जो मैं कहूँगा कि जिसने न्याय करने का काम किया। तो इससे देश मजबूत होगा, देश को मजबूत करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। भारत हजारों वर्ष से गुलाम इसलिए था कि कुछ चंद लोगों का कब्जा रहा। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई इमोशनल मुद्दे हमारे समाज में आते हैं, कल बात प्रोफेसर अतुल मल जी से की और मंगल जी से की, तो हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसमें बह जाते हैं, और खैर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन 4-5 साल से परिणति आप देख रहे हैं कि कई मोमेंट आए उसका असर नहीं, और उसका असर हमारे खिलाफ जा रहा है। कैसे खिलाफ जा रहा है कि कोई आंदोलन होता है इमोशनल इशू पर तो लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वेलफेयर मेजर्स, इनको धड़ाधड़ रोज उड़ाया जा रहा है, इस पर इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। न दलित इकट्ठा हो रहे हैं और न ओबीसी इकट्ठा हो रहे हैं, यह बड़ी चिंता की बात है। इमोशनल इशू पर लोग आए तो चले गए, लेकिन शासन प्रशासन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जैसे अब एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि आपका नुकसान विधायिका से या संसद से नहीं करेगा, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से करा देगा। ऐसे मामलों के ऊपर, विनिवेश जैसे मामलों के ऊपर ये दलित पिछड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा, आंदोलित नहीं कर रहा, और जबकि इसी के वजह से हम आज यहां पहुंचे। अगर रिजर्वेशन न होता तो क्या होता, वो बड़ा चिंता की बात है। रेशनलिटी, तो इमोशन, जो इमोशनली चाक्ष आंदोलन हुए हैं सपोर्ट करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें बड़ी खुश होने की बात कही, इसमें अगर आप पूरा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो कहीं खाता है। सोशल इंजीनियरिंग कभी काशीराम जी ने किया, अब सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी कर, जिन जातियों का भागीदारी किसी पार्टी में दिखती है, दूसरी जो छोटी छोटी जातियां उनके कार्ड में फूंक दिया जाता है कि तुम्हारा उसमें क्या लेना देना, और खिसक करके वहां चली जाती।
यही हुआ, ये मोमेंट जितने हुए ये मोमेंट एक तरह से हानिकारक हुए, कल्चरल अवेयरनेस या आइडियोलॉजिकल डिस्कशन बिफोर पॉलिटिकल एक्शन नहीं। और पूरा बहुजन मोमेंट को जो कल्चरल अवेयरनेस था आइडियोलॉजिकल बढ़ाया उसको पॉलिटिकल एक्शन समझ दिया ये समाज। इसीलिए संसद में वो लोग आए तो नहीं आवाज उठाता और नहीं सड़क की लड़ाई लड़ी। पॉलिटिकल एक्शन होता है सड़क की लड़ाई लड़ते रहना, सत्ता में रहो या न रहो अधिकारों को लेकर के कार्यकर्ता को जुझारू बनाना, कार्यकर्ताओं को अवेयर करना कि तुम्हारा ये होता है और इसको पॉलिटिकल एक्शन मान लिया गया। इसलिए इन दो बिंदुओं के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद यहीं पर। और मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बघेल जी को कि उन्होंने देश के हित में यह कार्य किया है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।